प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 3 अफ्रीकी देशों के दौरे पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान भारत ब्रिक्स के तहत पहले महाद्वीप में द्विपक्षीय और उसके बाद बहुपक्षीय संवाद स्थापित करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका के दौरे से अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे संबंध और मजबूत होंगे। पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीकी देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुबंध हुआ है। पिछले 4 साल में हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अफ्रीका के 23 दौरे कर चुके हैं। मंत्रालय ने बयान में कहा, भारत की विदेश नीति में अफ्रीका को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। रवांडा और युगांडा के दौरे के दौरान रक्षा और कृषि क्षेत्र में सहयोग मोदी की प्राथमिकता होगी। इसके बाद वह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। मोदी का अफ्रीका का यह दूसरा दौरा होगा। इससे पहले वह 2016 में मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री 23 जुलाई को रवांडा पहुंचेंगे। पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री का यह रवांडा का दौरा होगा। भारत ने रवांडा के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। इसे पूर्वी अफ्रीका के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है और इसी के मद्देनजर पिछले साल जनवरी में भारत ने रवांडा के साथ रणनीतिक साझेदारी भी की थी। रवांडा में मोदी रवेरू मॉडल गांव का दौरा करेंगे और राष्ट्रपति कागामे के निरीक्षण में चलने वाले कार्यक्रम में हिस्सेदारी के तौर पर गायों का उपहार प्रदान करेंगे। वहां सरकार की ओर से निर्धनतम परिवारों को डेयरी के लिए गायें दी जाती है और भाईचारा बढ़ाने के लिए गाय की पहली बछिया लोग अपने पड़ोसी को उपहार के रूप में देते हैं। रवांडा से मोदी 24 जुलाई को युगांडा पहुंचेंगे, जो पिछले 21 साल में भारतीय प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय दौरा होगा। तिरुमूर्ति ने बताया कि भारत और युगांडा के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। वहां जिंजा में 2010 से भारतीय सेना का प्रशिक्षण दल तैनात है। युगांडा के राष्ट्रपति युवेई मुसेवेनी से मुलाकात और प्रतिनिधि स्तरीय वार्ता के बाद मोदी भारत और युगांडा के संयुक्त व्यापार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री पहली बार युगांडा की संसद को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री युगांडा में भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा मोदी फरवरी में दक्षिण अफ्रीका की सत्ता संभालने वाले राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स नेताओं का 10वां शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसका विषय चतुर्थ औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझी समृद्धि के लिए विकासशील देशों का सहयोग रखा गया है। ब्रिक्स सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के आमंत्रित समूह में रवांडा, युगांडा, टोगो, जाम्बिया, निम्बिया, नामीबिया, सेनेगल, गैमन, इथोपिया, अंगोला और अफ्रीकन यूनियन चेयर शामिल है। अन्य आमंत्रित देशों में अर्जेंटीना, टर्की, इंडोनेशिया, जमैका और इजिप्ट शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर मोदी वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। यह दोनों नेताओं के बीच 1 साल के भीतर तीसरी मुलाकात होगी।